हेलो ऑल ऑफ यू, राधे राधे राधे। राधे। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हमारे किचन में, आप बोल रहे हो कि ये पोटली वगैरह क्या है, तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं छेने के रसगुल्ले, यानी कि जो बंगाली रसगुल्ले होते हैं ना, स्पंजी रसगुल्ले। तो वो स्पंजी रसगुल्ले बनाने वाले हैं। लेकिन स्पंजी रसगुल्ले बनाने से पहले क्या होता है कि दूध को फाड़ना पड़ता है। अब दूध को फाड़ना तो सभी लेडीज को मतलब आता ही है, तो हमने ये पहले से दूध को फाड़ लिया। दूध को फाड़ने के लिए आपको जितना दूध, आपको 1 किलो लेना है, 2 किलो लेना है, वो आप ले सकते हो। यहाँ पर हमने लगभग 2 किलो दूध लिया था, उसमें से ये आधा किलो पनीर जैसा ये छेना होता है, इसको छेना बोलते हैं, ये निकला है। इसको टाइट कपड़े में बांध कर निचोड़ लेते हैं दूध को फाड़ कर, तब ये पनीर जैसा पीस ऐसा निकलता है, इसी को छेना बोलते हैं। ठीक है, आपको भी जितना दूध चाहिए उतना दूध आप लेके उसको उबालते समय उसमें सिरका ऐड कर दीजिए, लगभग एक ढक्कन, एक कैप, इतनी बड़ी कैप होती है, उसको आप दूध में डाल दीजिए और कुछ ही देर में दूध पूरा फट जाता है। उसको कपड़े में, वो जो कपड़ा अभी आपको दिखाया, उस तरीके के कपड़े में आपको छान के और एकदम टाइटली, एकदम निचोड़ के, और उसको 2-3 घंटे के लिए अच्छे से किसी पत्थर से या किसी भारी चीज से दबाकर रख दीजिए, तो कुछ इस तरीके का सॉफ्ट सा छेना बन जाता है। ठीक है, अगर आपको फिर भी ये चीज देखनी है इस प्रोसेस को, तो हमारे इस यूट्यूब पे हमने ये वीडियो जो रसगुल्ले की, स्पंजी रसगुल्ले की, एक बार और डाली हुई है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको लेटेस्ट वीडियो भी बना के दे रहे हैं, आप इसको दोबारा देख लीजिए, आपको दोबारा देखना है तो, क्योंकि आज मॉम का रसगुल्ले खाने का बहुत मन था, तो अचानक से मम्मी के दिमाग में आया कि चलो वीडियो भी बना लेते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो आपको बनाकर दिखा रही हूँ। वैसे ये रसगुल्ले का जो वीडियो है वो ऑलरेडी डाला हुआ है, तो ये जो रसगुल्ले का वीडियो है ये ऑलरेडी हमारे चैनल पे माता के रसोई पे डाला हुआ है। आप पूरी तरह से पूरे प्रोसेस को देख सकते हैं कि दूध कैसे फाड़ा, दूध को उबालते समय उसमें सिरका डाला है बस, और कुछ भी नहीं किया है, बस दूध को उबालते समय उसमें एक ढक्कन सिरका डाला है, और सिरका डालने की वजह से ये इतना, ये जो आप देख रहे हो बोतल छोटी सी, लगभग इतना, आधा इतना सिरका डालना होता है। तो इतना सिरका डालने के बाद वो 1 किलो से 2 किलो दूध आराम से फट जाता है कुछ ही मिनटों में। फिर उसको छान कर उस तरीके से कपड़े में से उसको अच्छे से निचोड़ कर ऐसा पनीर जैसा निकलता है, जिसको छेना बोलते हैं। अब इसके बनते हैं रसगुल्ले, और इसमें हल्का सा जो ये आटा है, थोड़ा सा मैदा। ये मैदा है, तो ये 2 चमची है, मतलब जो टी स्पून होते हैं ना, 2 टीस्पून जो होते हैं, चाय की चम्मच होती है ना, उसको आप 2 टीस्पून बोलेंगे, तो ये वो वाले चम्मच है, बड़ा वाला चमचा नहीं, छोटे वाले। ठीक है, उतना आटा लिया है, ये 1 किलो चीनी है बस, और ये है केवड़ा जल। अगर आपको ये पसंद है, केवड़ा जल होता है, गुलाब जल होता है, अगर आपको कोई फ्लेवर पसंद है तो उसमें ऐड कर लीजिए, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, रसगुल्ले तो बन रहे हैं, लेकिन देखिए, देखो इसमें आपको छेने में आटे को इस तरीके से डालना है और अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर सॉफ्ट सॉफ्ट तरीके से एकदम मुलायम कर लेना है, एकदम सॉफ्ट। ठीक है, तो 2 से 3 मिनट या 5 मिनट इसको अच्छे से मस लेंगे, ये सॉफ्ट हो जाएगा। अभी मॉम को दिखाती हूँ आपको, देखो मॉम कितने खुश है, रसगुल्ले का बन था, तो मैंने भी वीडियो बनाए बिना छोड़ा नहीं कि चलो मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊंगी कि रसगुल्ले मॉम कैसे बना रही है। ठीक है, ये देखो अच्छे से इसको रगड़ना है, बिल्कुल आपको भी बिल्कुल ऐसे इसको रगड़ते रहना है। अभी थोड़ी देर और रगड़ेंगे इसको, 2 से 3 मिनट, फिर ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो आप बर्तन देख रहे हो, इसको हम फ्लेम को ऑन करेंगे, और ये जो चीनी है, ये 1 किलो चीनी है, 1 किलो चीनी को हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और पानी ऐड, हाँ ये देखो 1.25 लीटर पानी मोम बता रही है, ये 1.25 लीटर सबसे पहले हम पानी डालेंगे बोल के अंदर, ये देखो। अब उसमें 1 किलो चीनी भी पड़ जाएगी, जो कि चाशनी बनने के लिए, इसको उबलने के लिए हम छोड़ देंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान रेसिपी है, आप मजे से बनाइए और खाइए। अब हम इसको अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखो, इसको स्लो फ्लेम पे अच्छे से स्लो स्लो करके इसको उबलने देंगे। जब ये उबल जाएगी तो एकदम जैसे जैसे शहद होता है ना, शहद की तरह लगभग एकदम स्टिक स्टिक से होने लग जाएगी, तो समझ लो हमारी चाशनी एकदम तैयार हो गई है। अभी चाशनी तैयार होने में कम से कम 20 से 25 मिनट है, तब तक हम मोम को देखते हैं मोम क्या कर रही है। मोम इसको सॉफ्ट बनाने में लगी पड़ी है छेने को, और बिल्कुल एकदम ऐसा रहेगा जैसे कि आपके हाथ में कोई मखमल से भी ज्यादा सॉफ्ट एकदम चीज, एकदम स्मूथ क्रीमी टेक्सचर तैयार करना है, तब ये रसगुल्ले आपको टेस्टी वाले मिलेंगे। एकदम से बनाकर रख लेंगे तो उससे नहीं बनेंगे, उस तरीके से आपको रगड़ना है जैसे मोम अच्छे से रगड़ रही है। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट कर देना है, लगभग 5 से 6 मिनट
हथेलियों से दबा दबा के इसको सॉफ्ट करना है, ठीक है। ये देखो बिल्कुल ऐसे हल्के हल्के से रगड़ना है और एकदम सॉफ्ट तैयार कर लेना है एकदम से छेने को, तब जाके रसगुल्ले बनेंगे। तो चलो थोड़ी देर इसको ऐसे रगड़ने देते हैं और वेट करते हैं, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छे से ये रगड़ के सॉफ्ट हो गया है, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको लगभग बस 4 से 5 मिनट तक अच्छे से रगड़ना होता है और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पर जो हमने ये चाशनी उबलने के लिए रखी हुई है उसमें भी उबाल आ गया है और देखो कितने अच्छे से चाशनी एकदम तैयार हो गई है। आपको भी देखो स्टिकी स्टिकी लग रही है ना, आपको बिल्कुल ऐसे स्टिकी चाशनी तैयार करनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप बर्तन में देख रहे हो लगातार से, ये देखो थोड़ा सा उमड़ा, ये देखो जरा से, ठीक है ना। अब हम इसके छोटे छोटे से गोले बनाएंगे रसगुल्ले जैसे, ठीक है ना। आपको जो साइज पसंद है बिल्कुल वैसा ही आप साइज बनाइए। हमें थोड़े से मीडियम साइज के रसगुल्ले चाहिए स्पंजी वाले, तो हम मीडियम साइज के रसगुल्ले बनाएंगे। आपको जो साइज पसंद है, स्मॉल पसंद है या एकदम लार्ज पसंद है, जो मुंह में भी घुसाने में प्रॉब्लम हो। देखो मम्मी को हंसी आ रही है, मुझे तो मतलब कोई भी साइज के रसगुल्ले दे देंगे तो मैं तो खा लूंगी, क्योंकि मिठाई तो मिठाई है ना, मुंह में जाकर तो उसको वैसे भी मेल्ट होना है ना। ये देखो कितने अच्छे से ये भी बनने लगे, बस मुझे तो बस ऐसा लग रहा है कि 10 मिनट में ये बनने ही वाले हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि 10 मिनट में कैसे बनने वाले, 10 मिनट में बन तो जाएंगे लेकिन बाद में ठंडा भी तो करना है ना। आप चाहो तो फ्रिज में ठंडा करके खा लो, या फिर इसको नॉर्मली आप स्लिप पे ऐसे रख दोगे तो 2 घंटे बाद ये रूम टेम्परेचर पे एकदम नॉर्मल ठंडा हो जाएगा, वैसे भी खा सकते हो। पर असली मजा तो ठंडे ठंडे रसगुल्ले खाने का ही है। आखिर बेंगलुरु रसगुल्ले जो आप बॉक्स में से निकाल के खाते हो स्पंजी वाले, वो एकदम कूल कूल ठंडे ठंडे से होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये वही वाले बन रहे हैं, है ना। देखो कितने सुंदर सुंदर मम्मी रसगुल्ले तैयार कर रही है। बस ऐसा लग रहा है कि ये बन गया और इसे अब स्टार्ट करके बस शुरू हो जाए और खा लो, लेकिन अभी और थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा मुझे। ये देखो कितना क्यूट लोग हैं रसगुल्लों का। तो तैयार होने देते हैं सारे रसगुल्ले, चाशनी भी बिल्कुल तैयार है। जब तक रसगुल्ले बनकर तैयार होता है चाशनी और अच्छे से बन जाएगी और रसगुल्ले में रस भरने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो वेट करते हैं पूरे रसगुल्ले तैयार होने का, ओके। तो ये देखिए रसगुल्ले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब इन्हें चाशनी में एक एक करके डालना स्टार्ट करेंगे। ये देखो जैसे अभी मम ने डाला आपको बिल्कुल वैसे ही डालना है। कितने क्यूट लग रहे हैं, लग रहा है जैसे डलते ही बन गए, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस लगभग 4 से 5 मिनट तक इनको ऐसे उबालना है और उसमें ये चाशनी अच्छी तरह से डिप हो जाएगी, भर जाएगी और ये टोटली स्पंजी हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो सारे के सारे रसगुल्ले इसमें डाल दे रहे हैं, ये देखो सारे रसगुल्ले इसमें डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए इसमें उबलने देंगे, लगभग 4 से 5 मिनट के लिए इसको स्टीम आने देते हैं और उसको हमने अच्छे से ढक दिया। तो वेट करते हैं बस 4 से 5 मिनट का, फिर आपको दिखाते हैं कि रसगुल्ले कैसे हो गए, ठीक है। तो वेट करो, अभी हम इसको चेक करेंगे कि देखते हैं इसको, मतलब अभी हमने 3 मिनट में ही इसको चेक करने आ गए, ठीक है, कि ये कैसे होगा। तो ये काफी बड़े बड़े साइज के हो गए, वाव। अभी बस इसको थोड़ी देर और हम इसको उबालेंगे, लगभग 3 मिनट और उबालेंगे फिर ये रेडी हो जाएंगे। तो इसको फिर से स्टीम देने के लिए ढक देते हैं और वेट करते हैं उबलने का, ठीक है। तो चलो अब आपको दिखाते हैं कि रसगुल्ले तैयार हुए कि नहीं, क्योंकि 3 मिनट आपको बोला था, 3 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को करते हैं हम ऑफ, स्लो अभी से, वो सॉरी स्लो करते हैं, ठीक है। अब मॉम चेक कर रही है, रेडी, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बस अब इनको निकालना है और बोल में डालना है। ये देखो बिल्कुल अच्छे से रेडी होगा। तो अब हम इसको फ्लेम को ऑफ करेंगे, ठीक है। ये हमने फ्लेम को कर दिया ऑफ, ठीक है। अब इसमें से हम सारे रसगुल्ले निकालेंगे और ये जो आप एक बर्तन देख रहे हो उसमें पानी है ठंडा, उस ठंडे पानी में, साफ पानी में हम इस जो रसगुल्ले हैं यहाँ से निकालकर इसमें डाल देंगे, ठीक है ना। ये देखो हमने इस तरीके से इसको पानी में डाल दिया है, आपको उसको एक एक करके सारे रसगुल्ले आपको इस तरीके से बोल में डाल देने। और ये जो नीचे बैठ गए ना जाकर, तो इसका सिंबल ये है कि ये पूरी तरह से अच्छे से उबल गए और इसमें चाशनी जो है वो भर गई है। तो ये इसका है, ये पहचान है इसकी। अगर ये ऊपर तैरने लग जाए तो समझ लो कि अच्छे से उबले नहीं है। अभी देखो नीचे से अच्छे से डिप हो गए, नीचे जाकर एकदम पानी के तल में बैठ गए। तो ये रसगुल्ले बिल्कुल तैयार है।
अब इस पानी में से निकालकर इसको इस बोल में डालेंगे, ठीक है। ये देखो, ये है रसगुल्ले का फाइनल लुक। अब आप हाथ में ये केवड़ा जल देख रहे हैं, ये रसगुल्ले के जो चाशनी के साथ जो इसमें जल है, इसमें हम हल्का सा 2 से 4 ड्रॉप डाल देंगे। ये फ्लेवर हमें बहुत पसंद है। अगर आपको ये फ्लेवर पसंद है तो आप इसको डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नॉर्मल रसगुल्ले ही अच्छे लगेंगे तो आप उसको नॉर्मल भी रख सकते हो, ये टोटल ही ऑप्शनल है, ठीक है। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि डालना ही है। तो तैयार हो चुके हैं रसगुल्ले, आप भी अपने घर में बनाइए खाइए, ठीक है। ये देखो कितने प्यारे रसगुल्ले रेडी हो चुके हैं, आप भी ये घर में जरूर बनाइए खाइए। बिल्कुल इजी रेसिपी है और बस आधे घंटे में तैयार हो जाते हैं। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए राधे राधे, ठीक है, राधे राधे।